हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आपके साथ आई हूँ एक बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी लेकर। तो आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल कटलेट और सैंडविच। कटलेट तो आप सभी ने अपने घरों में बनाए और खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि वेजिटेबल कटलेट से बढ़िया टेस्टी सैंडविच हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कटलेट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं। तो अंदाजन मैंने 10 के करीब उबले हुए आलू लिए हैं यहाँ पर, और आलूओं को हम यहाँ पर मैश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पोटैटो मैशर लिया है, आप चाहें तो कटोरी भी ले सकते हैं और कटोरी से आप इसको मैश कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं। और जैसे ही आपके आलू मैश हो जाते हैं तो आप उसमें ये दो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, तो बहुत छोटे साइज़ में मैंने प्याज को कट किया है, तो ये आप इसमें ऐड कर देंगे। और एक मैंने यहाँ पर छोटी गाजर ली है और एक मैंने हरी वाली कैप्सिकम ली है। तो दोनों को मैंने बहुत ही छोटे साइज़ में काटा है। तो यहाँ पर जो भी सब्जियाँ कटेंगी सारी बहुत छोटे साइज़ में हमें यहाँ पर काटनी है, और इनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 छोटे चम्मच मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ, 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करूँगी, 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ पर गरम मसाला इसमें डालूँगी, और 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ और अब हम एक पैन लेंगे, पैन में ऑयल डालकर गैस पर रख देंगे। ऑयल को हमें यहाँ पर इतना हीट करना है कि उसमें से अच्छे से भाप निकलने लगे। तो ये देखिए वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, ऑयल में हमारे अच्छे से भाप निकलने लगी है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे और केवल उसको हम इसमें डालकर देखेंगे, क्योंकि हमने इसमें ना तो कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ना ही हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं, और ना ही ब्रेड इसमें ऐड की है। तो एक बार हमें इसको ज़रूर चेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा हम इसको हिलाएंगे नहीं, उलट पुलट हमें इसको नहीं करना है, केवल घी को इसमें हम ऊपर से इस तरह से डालेंगे और एक उतार कर हम पहले इसको ट्राई कर लेंगे। तो ये हमारा ठीक ठाक उतरेगा तब हम उसके बाद आगे के अपने बोल्स तैयार करेंगे। फ्लेम का हमें यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, फ्लेम हमको यहाँ पर अपनी हाई ही रखनी है। लो फ्लेम अगर हम कर देंगे तो अगर हमारी गैस जो है ठंडी हो गई है कढ़ाई हमारी, तो फिर हमारा जो बोल्स है उसको उतरने में प्रॉब्लम होगी और वो फट जाएगा घी में, और सारा हमारा घी ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए हाई फ्लेम पर ही मैंने सारे जो बोल्स हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। एक बात का यहाँ पर और ध्यान रखना है कि जो आप कढ़ाई या फिर पैन आप यूज़ करें वो चौड़े तले का हो, नीचे से फ्लैट हो, तो इससे क्या होगा कि वो आपस में एक दूसरे से टच नहीं होंगे और वो टूटेंगे नहीं जो हम बोल्स इसमें ऐड कर रहे हैं। तो देखिए मेरे घी में मेरे अलग अलग ही हैं ये, और इसी तरह से मैं इनको दूर दूर से इनको अलट पलट कर रही हूँ, एक दूसरे से कोई टच नहीं हो रहे हैं। और इसी तरह से हम सबको जो हमारे बोल्स हम बना रहे हैं सबको हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी बोल्स मेरा फटा नहीं है और सारे हमारे बोल्स
जो हैं पोटैटो कटलेट्स वो एकदम बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरह से कटलेट्स को आप ऐसे ही हरे धनिए की चटनी या फिर सॉस के साथ खा सकते हैं। इन वेजिटेबल कटलेट्स का हम सैंडविच भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर दो ब्रेड स्लाइस लेंगे और उनको तवे पर हल्का रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा तवे पर घी लगाएंगे, दोनों साइड से इसको हम सेक लेंगे। आप चाहें तो इनको थोड़ा ज्यादा भी सेक सकते हैं, मैंने इनको बहुत हल्का सा ही सेका है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेल्टेड बटर लिया है। बटर को मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया था। तो ये मेरे पास जो बटर है इसको मैंने मेल्ट कर लिया है और इसको मैं ब्रेड के एक स्लाइस पर अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। सेम ऐसे ही दूसरे पर भी लगाऊंगी। इक्वली हमें इसको फैलाना है। और अब यहाँ पर जो हमारे पास कटलेट हैं उसको मैं इस पर स्प्रेड कर दूंगी। तो थोड़ा सा तोड़ तोड़ कर मैं इस पर लगा दूंगी इसको। तो दो कटलेट मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ और इसके ऊपर यहाँ पर मैंने, ये मेरे पास कुछ काली मिर्च पाउडर है तो वो मैंने इस पर स्प्रिंकल किया है और कुछ यहाँ पर केचप है मेरे पास, केचप भी मैंने इस पर ऐड कर दी है। आप चाहे तो इस पे, अगर आपके पास हरे धनिए की चटनी है तो वो भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। और अब दूसरी ब्रेड साइज से मैं इसको कवर कर दूंगी। तो ये हमारा सैंडविच भी बनकर एकदम तैयार है। चार पीस में मैं इसको कट कर लूंगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमने कटलेट भी तैयार किए और सैंडविच भी तैयार किए। तो दो तरह की हमारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अगर आप कटलेट में जो ऑयल है उससे उसको कम खाना चाहते हैं तो आप इनके सैंडविच भी बना सकते हैं। तो सैंडविच जो है काफ़ी फीडी होते हैं और इससे हमारा जो है पेट अच्छे से भर जाता है। तो ये हमारे बढ़िया कटलेट और सैंडविच बनकर एकदम सर्विंग के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।